हाँ जी नमस्कार आप सभी को। आप सभी का अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 6 रहेगा। प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे और कुछ प्रीवियस इयर्स में जो पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए जी अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। तीन संतों के नाम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ, है ना? तो आपको बताना है कौन थे वो। सबसे पहले आपको पता है ना, लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1451 में। और ये कब तक रहा? 1526 तक रहा। इसमें तीन शासक हुए थे। पहला कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी वही था जिसने 1451 में सैयद वंश के बाद में लोदी वंश की स्थापना की थी। और ये बहलोल लोदी अफगान मूल का था, है ना? फिर इसका बेटा यहां पर बैठा सिकंदर शाह लोदी, जो गुलरुखी के नाम से पुस्तकें लिखा करता था, है ना? फिर बाद में आता है इब्राहिम लोदी। इस प्रकार इसमें तीन सुल्तान हुए इस लोदी वंश में। और इसी इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसे हम पानीपत की लड़ाई बोलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई इसके बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर इसमें जीत गया और लोदी वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो यही तो बात पूछी गई है। जब ये लड़ाई हो रही थी यानी कि लोदी वंश का पतन हो रहा था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उस समय के आसपास आपको बताना है कि कौन से गुरु थे जो उपदेश दिया करते थे। इनमें से बता दीजिए, तो जिन्होंने लिखा होगा ना गुरु नानक, यानी कि केवल दो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। उस समय गुरु नानक देव जी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। अगर बात करें गुरु नानक देव जी के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में। और 1539 ईस्वी में ये इस संसार को छोड़कर चले गए। ये वही समय है जब लोदी वंश का पतन हुआ। नानक देव जो थे वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद, है ना, एक ईश्वर। जाति प्रथा और जो भी कुरीतियां समाज में फैली हुई थी उनका खंडन किया करते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को नजदीक लाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि वे अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपना जीवन गृहस्थी के रूप में बिताया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। तो ये है गुरु नानक देव जी के बारे में। और इन्होंने ही क्या किया था? सिखिज्म की शुरुआत की, सिख पंथ की शुरुआत की। और फिर आपको पता है दूसरे गुरु कौन बने इनके बाद में? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव इनके शिष्य थे, इनके बेटे नहीं थे। तो यहां पर पता चलता है कि गुरु के मायने क्या है। अगर ये चाहते तो गुरु की गद्दी पर अपने बेटे को बैठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने शिष्य में वो गुण देखे कि गुरु बनने के योग्य हैं इनके शिष्य, फिर उनको गुरु की जो गद्दी का पद संभलवाया। ठीक है, गुरु अंगद देव। इस प्रकार से आगे संत परंपरा जो चली सिखिज्म में, कुल 10 गुरु हुए। अब दादू दयाल की बात करते हैं। दादू दयाल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग आप कहेंगे 1544 से लेकर 1603 के आसपास तक रहा। ठीक है जी, यानी आप ये कह सकते हैं कि अकबर जो था, अकबर के समय में दादू दयाल थे, है ना? तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अकबर से पहले हुमायूं मान के चलिए, हुमायूं भी दादू दयाल के समकालीन थे। त्यागराज की बात कर लेते हैं। त्यागराज जो थे वो काफी बाद के समय की बात है,
1767 से लेकर 1847 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है त्यागराज का, है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कहा जाता है कि ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ भी थे और अच्छे भक्ति संत भी थे, कवि भी थे। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया है। जिन्होंने गुरु नानक देव जी लिखा था, यानी कि केवल दो, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जल्दी से बता दीजिएगा। सत्य शोधक समाज, जल्दी से बताएंगे सभी। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का ये एक आंदोलन था, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक किसान आंदोलन। जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इतने में आप बताइए, सत्य शोधक समाज के बारे में। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। किसने की थी? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले द्वारा हुई, है ना, इन्होंने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। कहा जाता है कि इस समाज के द्वारा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया गया, और इस आंदोलन को बेसिकली जो आगे बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया? शाहू जी महाराज, ताकि समाज में एक रूपता लाई जा सके। इसी वजह से शाहू जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस सत्य शोधक समाज को आगे बढ़ाया। सत्य शोधक समाज के बारे में कुछ अगर बात करें, उनके सिद्धांतों के बारे में अगर बात की जाए, तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा, ठीक है जी। और जितने भी कर्म कांडों की हम बात करते हैं उनका विरोध करते थे। और जो पुजारी आपको देखने को मिलते हैं, पुजारियों का जो वर्चस्व बना हुआ है, उनको भी वो नकारते थे। पुनर्जन्म की बात करते हैं, इस बात को भी वो नकारा करते थे। और जो हम कहते हैं ना कि आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, तो वो इस अवधारणा का भी विरोध किया करते थे। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। चलिए जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको बताने का प्रयास करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और तीन कथन आपके सामने बताए गए हैं, कौन सा कथन सही रहेगा वो बताना है आपको। जल्दी से बता देंगे सभी। अब देखो, पहला कथन क्या लिखा हुआ है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये बात आपको बतानी है, सही है या गलत है। आप कहेंगे जी ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, बिल्कुल कहा जाता था उस समय, ठीक है। और जितने भी राजस्व प्रणाली की बात करते हैं, तो ये राजस्व प्रणाली मुगल साम्राज्य में भी हमें देखने को मिलती है, अकबर के समय में भी, ठीक है। अकबर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और फिर जब दूसरे कथन की बात करते हैं, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, नहीं हमारे भारत की देशी संस्था नहीं थी, ये तो कौन लेकर आए थे? जो विदेशी यहां पर आक्रमण किया, जिन्होंने यहां पर फिर शासन करना शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहले वंश, गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान था। और ये कब से कब तक रहा? तो आप कहेंगे 1211 से लेकर 1236 तक रहा इल्तुतमिश। इक्ता का मतलब क्या है? भूमि के टुकड़े किए जाते थे, जैसे मान के चलो छोटे बड़े टुकड़े कर दिए, और फिर दिल्ली के जो सुल्तान जो बैठते थे गद्दी पर, वो
देते थे किसी को, ठीक है, इकता, यानी कि भूमि दे देना किसी को, ये थी इकता प्रणाली। ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी यहाँ पर। और फिर जब बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के राजस्व, सॉरी, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में आया क्या? आप कहेंगे ये बात भी गलत लिखी है। क्यों गलत है? क्योंकि मीर बख्शी का जो ये पद है, ये तो हमें अकबर के समय में देखने को मिला। अकबर, अकबर का कार्यकाल कब तक रहा? 1556 से लेकर 1605 तक रहा। और अकबर जो है, अकबर का शासनकाल साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, यानी हिंदी में बोले तो अनुवाद विभाग की स्थापना की अकबर ने, जिसके तहत अकबर ने बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। जैसे महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, और भी बहुत सारी, जैसे पंचतंत्र की बात करते हैं, और कश्मीर का इतिहास बताने वाली राज तिरंगिणी, जिसको लिखा था किसने? कल्लहण ने, उसका भी फारसी में अनुवाद हुआ इस समय। तो इसी वजह से जो फारसी एक साहित्य फला फूला, इसकी वजह से बोल दिया जाता है कि अकबर का काल साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अब इनमें से कौन सा टिक करना था आपको? अब तो बड़ा आसान है, केवल पहला जो कथन था वो ठीक था, बाकी दोनों के दोनों जो नीचे लिखे गए हैं वो गलत हैं। ठीक है जी, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हमें देखने को मिलते हैं? सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश देखने को मिला हमें? खिलजी वंश। ठीक है जी, और फिर जब हम बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के बाद में यहां हमें देखने को मिलता है तुगलक वंश, ये सबसे लंबे समय तक रहा। तुगलक वंश के बाद में हमें दिखता है यहां पर सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में हमें यहां पर दिखता है ये लोधी वंश, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, लोधी वंश। तो यहां पर आपको समझने का प्रयास ये करना है कि ये जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो बैठे अफगान शासक है ना, अफगान है ना ये, और है कौन? ये लोधी वंश वाले हैं। पहले आया बहलोल लोधी, उसके बाद में सिकंदर लोधी, फिर आया इब्राहिम लोधी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपको टिक करना है। जब हम बात कर रहे होते हैं खिलजी वंश के समय की, खिलजी वंश के समय की, उस समय क्या था, अफगान जो थे वो अपनी शक्तियां बढ़ाने लगे, ठीक है, और मूल रूप से इनका जो शाखा की बात करें या इनकी कुटुंब की बात करें, अफगानों की शाहू खेल कुटुंब से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी जब सत्तारूढ़ था उस समय ये वर्चस्व अपना बढ़ाने लगे। फिर करते करते खिलजी वंश समाप्त हुआ, तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के समय में जो अफगान लोग थे इनकी शक्तियां और बढ़ी, और ये फिर क्या बने, ये सामंत के रूप में काम करने लगे अफगान। सैयद वंश के समय में ये गवर्नर की भूमिका निभाने लगे अफगान, और फिर एक समय ऐसा आया कि ये अफगान जो है ये क्या बन गए, सुल्तान बन गए, और इन्होंने अपना ही एक वंश शुरू कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोधी वंश का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऐसे तो 15वीं शताब्दी तक आते आते अफगान इतने शक्तिशाली हो गए कि सैयद वंश के शासनकाल में लगभग हर बड़े ओहदे पर इन्हीं का चर्चा चलता था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि चलिए जी, पहलो लोधी था वो कब से कब तक रहा? 1451 से 1489 तक गद्दी पर रहा, 38 साल लगभग गद्दी पर रहा।
लोदी का बेटा सिकंदर लोदी फिर गद्दी पर बैठा, 1489 से लेकर 1517 तक गद्दी पर रहा। ये वही है जो गुलरुखी के नाम से पुस्तकें लिखा करता था। और फिर सबसे एंड में आता है कौन, इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 तक। ठीक है, इसी प्रकार का ये क्रम है इस लोदी वंश का बस। और तीसरा ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि जो पंचायतन शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था। पंचायतन जल्दी से बता देंगे, धार्मिक संप्रदाय के लिए, मंदिर रचना शैली के लिए, और या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा के लिए, बताएं जल्दी से। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा मंदिर रचना शैली उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। पंचायतन जो शब्द है वो मंदिर की रचना किस प्रकार से की गई है उसी से संबंधित है पंचायतन। अब पंचायतन वैसे एक फील आती है ना कि पंचायत हो रही है गांव में, वो अलग है, तो इसमें आपको गुमराह नहीं होना है। एक मंदिर ऐसा होता है, मान के चलो ये मंदिर है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा हुआ हो, जैसे ये मान के चलो एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ, एक मंदिर यहाँ और एक यहाँ, ये मुख्य मंदिर है और बाकी जो चार आपको साइडों में दिखाई दे रहे हैं वो सहायक मंदिर हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं पंचायतन शैली। आमतौर पर हिंदू मंदिर कैसे बनाए जाते हैं, पश्चिमी पूर्वी बनाए जाते हैं ना, ऐसे में चार सहायक मंदिर उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में स्थित होंगे। जाहिर सी बात है अलग अलग डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखना है तो आपको देख लीजिए, ये आपकी पूर्व, ये आपकी पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक इधर एक इधर, ठीक है, और एक सेंटर में मुख्य हो गया वो। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें इस पंचायतन शैली के मंदिरों के, तो आपने एक नाम सुना होगा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है वो किस शैली का है, वो है इसी पंचायतन रचना शैली का। और कहाँ है ये, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है, आप कहेंगे उड़ीसा राज्य में है ये भुवनेश्वर। ठीक है जी, एक ये हुआ, और भुवनेश्वर में ही एक आपने नाम सुना होगा ब्रह्मेश्वर मंदिर। ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, ये भी भुवनेश्वर में है, ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। हुई बात क्लियर। उसके बाद में और हम एग्जाम्पल देखें, अगर जब आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो वहां पर आपको एक नाम मिलेगा दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये कहाँ है, देवगढ़ यूपी ना, देवगढ़ यूपी में पड़ता है वहां पर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे खजुराहो में अगर जाएंगे तो वहां कंदरिया मंदिर है, एक लक्ष्मण मंदिर है, वो भी पंचायतन शैली के मंदिर हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसी में अगर मैं ऐड करके आपको बताना चाहूं तो आप समझने का प्रयास भी करेंगे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। जो मंदिर बनाए जाते हैं हमारे भारत में, ठीक है, मंदिर निर्माण की जो शैली है ना भारत में, उसको तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में कौन कौन सी, एक तो होती है नागर शैली। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हमें मुख्यतः उत्तरी भारत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नागर शैली उत्तरी भारत की शैली है। और जब दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां पर आपको द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर दिखाई देंगे।
और कुछ मंदिर आपको हमारे भारत में ऐसे भी दिखेंगे जो इन दोनों का मिश्रण होंगे, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, बेसर शैली। बेसर शैली, आगर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण जो होगा वो है बेसर शैली। तो इस प्रकार भारत एक विविधताओं का देश है और यही विविधताएं भारत को एकजुट बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आपको बताना है, ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि कौन सा कथन सत्य रहेगा। विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले यहां देखिए विजयनगर, जब उत्तरी भारत में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश के दूसरे सुल्तान गद्दी पर बैठे हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं के समय में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में, ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने अपने बाकी तीन भाइयों के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और इन्होंने अपने पिताजी के नाम पर एक वंश रखा, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश रहा, दूसरा वंश सुलु वंश रहा, इसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। फिर तीसरा वंश आया तुलु वंश, तुलु वंश जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, है ना। और एक आता है अरावीडु वंश। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में हम चार वंशों की बात करते हैं। इन चारों वंशों में से जो तीसरा वंश है ना, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह के बारे में कहा जाता है कि 1505 के आसपास इन्होंने ये स्थापना की और 1509 तक गद्दी पर रहे। इन्हीं के छोटे भाई थे कृष्ण देव राय और इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे, कृष्ण देव राय, जो इस पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य में यानी कि इन पूरे चार वंशों में से सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे कृष्ण देव राय। और कृष्ण देव राय के बारे में ये जानकारी कहाँ मिलती है कि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, तो ये हमें मिलती है बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में, जिसे हम बाबरनामा भी कह देते हैं ना, तो बाबरनामा में ये वर्णन किया है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि कृष्ण देव राय कौन थे। अब हमें बताना है कि कराधान व्यवस्था जो राजा कृष्ण देव राय के समय में थी, उनमें से बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर तय होती थी। बिल्कुल सही बात है, भूमि जिस प्रकार की होती थी उसी के आधार पे ये तय किया जाता था कि वो व्यक्ति कितना राजस्व देगा, यानी कि उसकी भूमि से पैदावार कितनी होगी, है ना। तो यही सबसे बड़ा आधार था। बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये ठीक किया होगा। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर दिया करते थे, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो दोनों ही बातें जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। अगर राजा कृष्ण देव राय के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। आंध्र भोज, ये उपाधियां हैं, आंध्र भोज की उपाधि इनको दी गई थी, अभिनव भोज की उपाधि इनको दी गई थी, आंध्र पितामह इनको कहा जाता था, आंध्र पितामह। कहा जाता है कि जो बंजर भूमि हुआ करती थी और जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी उसको भी कृषि योग्य बनाने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया था। और पहले एक टैक्स लगा करता था, हैरिज टैक्स, है ना, यानी कि जो शादी वगैरह होती थी, विवाह कर, इसको भी क्या है, समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया है। ये एक अच्छे राइटर भी थे कृष्ण देवराय, जिनको संस्कृत का भी ज्ञान था, जिनको तेलुगु भाषा का भी ज्ञान था।
ठीक है। और इनके दरबार में कौन रहते थे? अष्ट दिग्गज रहा करते थे, आठ दिग्गज। ऐसे तो क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने खुद ने भी रचना लिखी थी, आमुक्त माल्याद, जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखा गया। यहां अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूं, चलो, आमुक्त माल्याद। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है इनके द्वारा? ये इन्होंने लिखा है तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा को संरक्षण मिला, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन दिया गया है वो ठीक है। जल्दी से बता देंगे सभी, गरम दल नरम दल। सबसे पहले देखो, 1907 की बात करते हैं, है ना। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत में, जिसे सूरत अधिवेशन का नाम दिया जाता है। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष, उनकी नेतृत्व में हो रहे इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग हो गए, ठीक है। एक तो था नरम दल, गरम दल। अब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया था, ये एग्जाम में आपके एक बार 2015 की बात है, उस समय कारण क्या था? कारण था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है, इसी दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि कुछ कांग्रेस के लोग थे सहमत नहीं थे, कुछ थे कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, कुछ बोल रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। तो उन दोनों के बीच में, मतलब कुछ, गरम दल में नाम आपको पता है ना, लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो कुछ ग्रुप बन गए, कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए, है ना, विचार मिले नहीं, जिसकी बदौलत ये हमें देखने को मिला। चलिए, अब स्वदेशी आंदोलन क्या था, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। स्वदेशी आंदोलन इसके परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था जब 1905 में करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, है ना, बंगाल विभाजन। उसी के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और फिर आपको पता है, विचार तो बदलते ही हैं, आपसी मतभेद होता है, इसी वजह से ये टुकड़े इनमें हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ऐसे ही अलग थलग रहे। फिर 1916 में एक अधिवेशन हुआ दोबारा से, ठीक है, लखनऊ में वो अधिवेशन हुआ, और फिर ये सारे इकट्ठे हो गए, गरम दल नरम दल, यानी कि कांग्रेस का जो टुकड़ा बना हुआ था वो एक हो गया। और इसी के साथ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी इनके साथ में हाथ मिला लिया था उस समय, ठीक है जी, 1916 में। चलो, ये तो बात हो गई आपकी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से, उनको दांडी पहुंचना था, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था। और जब उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाया, उसी दिन से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इसका मतलब भी देख लीजिए, संधि विच्छेद करके, स प्लस में विनय, स यानी कि सहित, और विनय यानी विनम्रता, यानी कि विनम्रता के साथ हम अंग्रेजों की आज्ञा की अवज्ञा करेंगे, यानी कि हम मानेंगे नहीं उनकी बातों को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था उस मीटिंग में, और महात्मा गांधी ने कहा कि हम आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, तो सभी ने स्वीकार किया, और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में
छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, है ना। अब तो हमें ये करना ही होगा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 जो समय था असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे। फिर जब चोरी चोरा घटना हो गई थी यूपी में, पुलिस चौकी को जला दिया गया कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ये आंदोलन सही से चले, इसमें कोई भी हिंसा ना हो। लेकिन जब हिंसा हो गई तो महात्मा गांधी ने फिर क्या कर लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। बहुत ही बढ़िया, तो इस प्रकार से आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।